नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर का बागला एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, आज के वीडियो में मैं श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या करने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 18 श्लोक आपको बताए हैं। अब अगला श्लोक जो आत्मा के ही बारे में है, वही प्रसंग अपना चल रहा है कि आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है। उसी आत्मा का निरूपण श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश स्वरूप कहते हैं। 19वां श्लोक बच्चों, कि यह एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो न अयम हन्ति न हन्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यह जो मनुष्य एनम इस अविनाशी शरीर को हंतारम मारने वाला वेति मानता है, च और यह जो मनुष्य एनम हतम इसको मरा हुआ मन्यते मानता है, तव उभौ वे दोनों ही इसको न विजानित नहीं जानते हैं, क्योंकि अयम न हन्ति न हन्यते, क्योंकि यह आत्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। यह आत्मा शरीरी न तो किसी को मारता है और न किसी से मारा जाता है। इसका तात्पर्य है कि शरीरी मतलब बच्चों आत्मा, यह आत्मा किसी क्रिया का करता भी नहीं है तथा यह कर्म भी नहीं है और इसमें कोई विकार भी नहीं आता है, कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। जो मनुष्य शरीर की तरह आत्मा को अर्थात शरीर ही को भी मारने वाला और मरने वाला जानता है, मानता है, वे वास्तव में शरीर और शरीरी के विवेक को महत्व नहीं देते हैं, इसमें स्थित नहीं होते हैं, प्रत्युत अविवेक को महत्व देते हैं। अर्थात यह आत्मा न तो मारा जाता है और न ही किसी के द्वारा यह मरता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा को नित्य बताया है। अगला श्लोक बच्चों, कि न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। इस श्लोक में भी बच्चों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ही निरूपण करते हुए कहते हैं कि यह अयम यह शरीरी अर्थात आत्मा न कदाचित जायते कभी जन्मता है, ये कभी जन्म भी नहीं लेता है, वा न और न ही यह म्रियते मरता है, वा तथा यह भूत्वा उत्पन्न होकर भूय फिर भविता होने वाला नहीं है। अयम यह अजह अजह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला हमेशा रहने वाला शाश्वत शाश्वत और पुराण पुराण पुरातन अर्थात अनादि है। शरीरे शरीर के हन्य माने मारे जाने पर भी न हन्यते यह आत्मा नहीं मारा जाता है। बच्चों, हमारा स्वयं का और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग होता है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं है, शरीर से मिले हुए नहीं है, शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमारे से मिला हुआ नहीं है, इसीलिए शरीर के न रहने पर भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा, हमारा क्या नुकसान हुआ, हम तो जो के त्यों ही रहे। भूत ग्राम से एवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते, यह अगले 8वें अध्याय में बताया गया है। ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम ऐसे के ऐसे अर्थात स्वयं जो के त्यों ही रहेंगे। जैसे हाथ पैर नासिका आदि शरीर के अंग है,
ऐसे शरीरी अर्थात शरीरी का अंग भी नहीं है, अर्थात यह आत्मा का अंग भी नहीं है। जो बहने वाला और विकारी होता है वह अंग नहीं होता है। जैसे कफ आदि बहने वाले और फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है, ऐसे ही शरीर बहने वाला परिवर्तनशील और विकारी होने से आत्मा का अंग नहीं है। ये दोनों अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। यह भाव इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। यदि मरते भी है तो ये शरीर मरता है, आत्मा जो कि त्यों बनी रहती है। अगला श्लोक बच्चों 21वां श्लोक कि वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्यम कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा का स्वरूप कैसा है, अर्थात आत्म स्वरूप जो अजर है उसी आत्मा का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि पार्थ है प्रथानंदन, प्रथानंदन है अर्जुन, यह जो पुरुष जो मनुष्य एनम इस आत्मा को इस शरीरी को अविनाशिनम अविनाशी नित्यम नित्य अजम जन्म रहित और अव्यम अव्यम जिसका कुछ नहीं बिगड़ता है वेद जानता है। स वह कथम कैसे कम किसको अंति मारे और कम घातयति और किसको मरवा है, अर्थात ये आत्मा अजर है अमर है, उत्पन्न होने वाली वस्तु तो खुद ही स्वतः ही नष्ट हो जाती है मिटती है, उसको मिटना नहीं मिटाना नहीं पड़ता है। पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती नहीं है। हमने 84 लाख शरीर धारण करने किए पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम जो के त्यों अलग बने रहे। ये जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी प्रत्युत इस मनुष्य शरीर में ही है। अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते हैं। अर्थात जो आत्मा है बच्चों वह शरीर से बिल्कुल अलग है। अर्थात है पार्थ जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है अजर है अमर है नित्य है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है और कैसे मरवा सकता है। जो आत्मा को जान लेता है कि आत्मा ऐसे ऐसे स्वरूप वाली है तो वह पुरुष उस आत्मा को न तो मरवा सकता है और न ही मार सकता है। ये भाव इस श्लोक में बताया है। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं आगे के श्लोकों की व्याख्या बताऊंगी।